अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? आज एक नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही मज़े वाली होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जा रहा हूं श्रीलंका। सो मैंने करेंसी चेंज करवा ली है, तो ये जनाब है श्रीलंका का 1,000, 500 और 100 वाला नोट। तो फाइनली आई गॉट द बोर्डिंग पास, नाउ आई एम गोइंग श्रीलंका। तो भाई ये दोहा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे ई गेट लग चुके हैं, तो अभी यहाँ पे हम ई गेट का इस्तेमाल करते हुए आगे चले जाएंगे। सो ये सामने लगा हुआ है भालू, तो कहते हैं कि ये जो भालू लगा हुआ है, जब आप ये देखेंगे तो आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी। मुझे तो यहाँ पे बचपन की याद आई नहीं। बस कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। तो ये जी ट्राम जो है वो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो चलती है, तो उसके ज़रिए हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। लगता है मैं श्रीलंका पहुंच गया। नहीं यार, ये यहाँ पे ना इन्होंने एक बहुत प्यारा गार्डन बनाया है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। ये वो गार्डन है। वाओ। अभी गार्डन से जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी फ़्लाइट जो है उसका टाइम सिर्फ रह गया है टोटल कोई मेरे ख्याल में 20 या 25 मिनट रहते हैं। सो बाग को छोड़ना पड़ेगा और फ्लाइट की तरफ जाना पड़ेगा। सो तो गाइस ये है अपना एयरक्राफ्ट, जिसमें हम 4 घंटे 50 मिनट बैठ के श्रीलंका जाएंगे। खाना आ गया है खाना। हाँ जी, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं नज़दीक पहुँचे। अभी उतना ही स्टार्ट हो गया। श्रीलंका पहुंचने पे सबसे पहले आपने ये एक अराइवल कार्ड होता है, इसको फिल करना होता है, और फिर वहाँ पे इमिग्रेशन है वो करवानी है, और फिर लगेज उठाएंगे और फिर निकल। बस ये है मेरा लगेज, जिसको मैंने बोला है कि बहुत पट्टियाँ लगी हुई हैं, तो ये वही है। अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर, और देखते हैं कि हमको कौन लेने के लिए आया। और ये कोलंबो के अंदर ये है माबूला जुम्मा मस्जिद। हाँ, अभी यहाँ जाके मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का दिन जो है वो शाम को होता है, और ये है मेरा रूम जो मुझे मिला है सिर्फ 4,000 श्रीलंकन रुपीस के अंदर, 4,000। और ये इसका वॉशरूम है, और ये एक छोटा सा टीवी एसी के साथ, और यहाँ पे हम करेंगे अपने व्लॉग को एंड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? आज मेरे ट्रिप का दूसरा दिन है, और ये वो पीछे जो हॉस्टल है, रिजॉर्ट है, एवाना रिजॉर्ट, यहाँ पे मैंने रात गुजारी है। और अभी श्रीलंका उठ चुका है और मैं भी उठ चुका हूँ। अभी निकलते हैं बाहर नाश्ता करने के लिए, देखते हैं खाने में क्या है।
और अभी ये सुबह सुबह का टाइम है यार, 8:30 हो रहे हैं और लोग जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है और हम छुट्टी मना रहे हैं। और ये मैं पहुंच गया हूँ बिल्कुल दरिया के पास, समंदर के पास। तो अभी जाते हैं आगे, ये क्या लिखा हुआ है, बीच इज ओनली फॉर फुटप्रिंट्स। अच्छा समझ नहीं आई बाहर जाने में, मतलब पैदल लोग ही सिर्फ जा सकते हैं। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, रिकॉन होटल एंड बेकरी के साथ यहाँ पे हलाल मिलता है, हलाल खाना। तो अभी यहाँ पे जाएंगे, खाना खाएंगे। दिस इज अफजल भाई, सलाम अलैकुम और हम श्रीलंका, दिस इज माई राइड। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ या जिस जगह पे पहुँच चुका हूँ उसका नाम है दही वाला जू। अभी दही वाला का एक चिड़ियाघर है, इसके अंदर मैं जाऊँगा दही वाला जू। जो श्रीलंका के लोग हैं वो तो पे करेंगे सिर्फ 295 लंका रुपीज, लेकिन मेरे को पे करना है क्योंकि मैं आउटसाइड से फॉरनर, तो मेरे को पे करना है यहाँ पे 3,700 लंकन टिकट। ये जी टिकट आ गए $10 की। सबसे पहले जो जू में हमने चीज़ देखी एंटर होते ही वो है ऑस्ट्रिच। सो गाइज, ऑस्ट्रिच के बाद हम पहुँच गए सीधा फिश वाले सेक्शन में। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत बहुत मतलब अजीब व गरीब किस्म की जो मछलियाँ हैं वो पाई जाती थी, और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि श्रीलंका में, इंडिया में, पाकिस्तान में या कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। साथ में मतलब इनकी फैमिली भी लिखी जाती थी, लिखी हुई होती थी उधर। और जिनमें कोई ब्लैक लाइंड है, कोई फुल ब्लैक है फिश, और इसके बाद जो है वो उसमें कुछ ये जो है ये लॉबस्टार है। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखे थे और बड़ा हैरान हो गया था। और कुछ ऐसी मछलियाँ थी छोटी छोटी, और कुछ थी जिनकी जो आंखें थी वो मतलब पीली थी, यानी कि येलो। और कुछ मछलियाँ ऐसी थी कि जो मतलब ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स थे, और मतलब कुछ के साथ ये भी लिखा हुआ था कि ये दुनिया से ना ख़त्म होने वाली हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं इनकी रेड आइज़ है, और रेड आइज़ के बाद छोटी छोटी मछलियाँ जो बिल्कुल जो हैं वो मतलब येलो कलर की है एक, इसके अलावा इनके ऊपर ब्लैक लाइंस हैं, किसी के ऊपर ब्लैक डॉट्स हैं। ये देखिए इनकी आँखें जो हैं ये येलो हैं। और ये देखें आप, ये जिस तरह एक मगरमच्छ होता है इस तरह इसकी मतलब मकाऊ। ये जू जो था ये बहुत ही बड़ा था, और इसमें मतलब ये पानी की एक छोटी सी नदी भी थी जिसमें बतखें तैर रही थी, और ये शेर, इसकी हालत ऐसी हुई है जैसे कल पाकिस्तान में है, और ये टाइगर, इसके साथ मैंने कहा चलो थोड़ा सा खेलते हैं, लेकिन डर भी लग रहा था, लेकिन दरमियान में ना शीशा है इसलिए मैं इसके करीब हुआ थोड़ा सा, तो ये भी थोड़ा करीब हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा ज़्यादा करीब नहीं होते, ऐसा ना हो प्यार हो गया। और फिर लाइफ में मैंने पहली दफ़ा ये देखा, इसको क्या बोलते हैं यार, ज़राफ़ा। पहले तो उसको हमने किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन फिर देख लिया ये यार, इसका नाम भी लिखा हुआ था कादू। अब ये पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, कादू ही कहते हैं। और ये इसको मैंने देखा हुआ है अपने गांव में, मतलब एक दो दफ़ा देखा है, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है यार। और सबसे अजीब चीज़ ये थी यार, माउस डियर। अब ये क्या चीज़ है यार, माउस डियर,
मतलब ये चूहा भी है और हिरन भी है। फिर थकने के बाद हमने पी चाय। दिस इज ई फॉर एलिफेंट। और ये हो गया जी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। और उसके बाद हम पहुंच गए सांपों वाले सेक्शन में। ये मतलब ये देखें, ये लटक रहा है इसके साथ। और इसके बाद ये देखिए, पानी के अंदर था और थोड़ी रोशनी पड़ रही थी, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी ना मुश्किलात पेश आ रही थी। और फिर जो है वो हम आगे ग्रीन एनाकोंडा की तरफ। ये 3.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। इससे पहले मैंने एक फ़िल्म देखी थी एनाकोंडा 6 आई थिंक, उसमें देखा था, लेकिन अभी हकीकत में मैं इसको देख रहा हूँ एनाकोंडा। देख के डर लग रहा था। और फिर जो हमारी तरफ हैं वो बगले जिनको कहते हैं, हमारी तरफ तो सफ़ेद होते हैं और इस तरह इनका कलर जो है ये रेड रेड कलर के बगले हैं भाई ये। तो गाइस नमाज़ पढ़ने के बाद हम पहुँचे हवलक सिटी मॉल। ये कोलंबो का एक मॉल है जो अभी नया नया खुला है और बहुत ही प्यारा मॉल है। आप इसको कोलंबो का सेंटोरस कह सकते हैं या आप इसको कोलंबो का सिटी सेंटर कह सकते हैं। और इस इलाके का नाम है वन्ना वत्ता, जहाँ पे ये ओपन हुआ है उसको वैसे बोलते हैं हवलक मॉल, हवलक सिटी मॉल भी बोलते हैं। इसके बाद जी हम पहुँचे सीधा शूटिंग अरीना हवलक मॉल के अंदर। ये हवलक मॉल का तीसरा फ्लोर है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए लोग आते हैं। मैं नाश्ता लेट करने की वजह से भूख नहीं थी, तो चला सोचा चलें आइसक्रीम खाते हैं। बाकी कोलंबो सिटी के अंदर फ्रूट के स्टॉल ऐसे लगे हुए हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगे हुए होते हैं, यानी कि रोड की साइड लोग जो है वो या रेडी पे बेच रहे होते हैं और या फिर उन्होंने एक स्टॉल लगाया होता है इस तरह का, पूरा मतलब यहाँ पे फ्रूट वो बेच रहे होते हैं सेम थिंग के जैसे पाकिस्तान में होते हैं। और रेट तो हमने पता नहीं किया यहाँ से भी क्या सीन है, लेकिन ये है सीन सेम है। This is Colombo Museum, but today it is closed. I don't know why. This building is Colombo Municipal Council. तो ये जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ये, इसका नाम है लूना टावर। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना पतला सा, उसको बोलते हैं लोकस टावर। विक्टोरिया पार्क है और ये जो है ये बुद्धा का मुजस्मा है, वो बोलते हैं महात्मा गौतम बुद्ध, ये उनका मुजस्मा है।
कि श्रीलंका में अगर आप आएंगे कोलंबो में तो आपको ये जगह जगह पे नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज़्म के जो मानने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जी, इसका पार्क का जो नाम है वो है विहारा महादेवी, जो ये श्रीलंका की क्वीन थी और इंग्लिश में उसको बोलते हैं विक्टोरिया पार्क। तो इसको हम विहारा महादेवी कहते हैं और विक्टोरिया पार्क भी हम इसको कह सकते हैं। ये दरगाह है और इनका नाम है शेख वलीउल्लाह। इनका ताल्लुक यमन से था, जो यहाँ के वो एक भाई साहब खड़े थे वो बता रहे थे। ओ गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीलंका का सबसे मशहूर टावर जो है लोटस टावर, मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है जी श्रीलंका का लोटस टावर, कोलंबो लोटस टावर। ओ गाइस, ये कोलंबो का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। बहुत बिल्डिंग टावर। ये कोलंबो का बाजार है, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जहाँ आपको जितने बाइक पे बंदे मिलेंगे ना, अगर आगे कोई बैठा हुआ है तो उसने भी हेलमेट पहना हुआ है, जो पीछे बैठा हुआ है उसने भी हेलमेट पहना हुआ है। और सम टाइम क्या होता है कि कोई छोटा बच्चा अगर दरमियान में उन्होंने बिठाया हुआ है तो उसके साथ पे भी उन्होंने हेलमेट डाला होता है। ये बाज़ार है और उसका नाम है पट्टा मेन बाज़ार। पट्टा बाज़ार है और ये उसकी मेन स्ट्रीट है, जो मेन गली है, ऐसे समझ लें। ये है कोलंबो की अलज़फ़र मस्जिद, असर की बहुत ही प्यारी मस्जिद है, अंदर से भी और बाहर से भी। क्या आर्किटेक्ट है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ 1908 यानी 1908 में बनाई है। ये वो टावर है जिसके ऊपर से सारा कोलंबो सिटी नज़र आता है। तो अभी जाएंगे इसके ऊपर सिटी देखने के लिए। तो भाई 220 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये है जी कोलंबो हार्बर एरिया, इसको पोर्ट एरिया भी कहते हैं। यहाँ पे बैरी जहाज सामान लेके आते हैं जिसकी लोडिंग और ऑफ लोडिंग होती है। ये देखिए कंटेनर यहाँ पे लोड हो रहे हैं। ओ सामने देखिए, ओ गाइस ये देखिए सामने वो ट्रेड वाली बिल्डिंग यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो सामने जो नज़र आ रहा है वो है लोटस टावर। और वो मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं, जफर मस्जिद, ये वाले जफर मस्जिद पट्टा बाजार। और ये जो है, ये है वो मंदिर जिसका ये बोल रहे थे। और यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए आपको ना जूते जो हैं वो उतारने पड़ेंगे, जूते उतार के आप ऊपर आएंगे। एक माले यानी कि दो माले के बाद आपने जूते उतार देने और फिर ऊपर आपने पैदल आना है, यानी कि बग़ैर जूतों के आना है आपने। भाई अभी ये नीचे जाने के लिए अपने को ये सारी यानी कि 251 सीढ़ियाँ जो हैं ये उतरना पड़ेगा नीचे, वो नीचे इस बिल्डिंग से हमने नीचे उतरना है। तो ये है जी श्रीलंका का ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, अभी ये प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट है ये। तो भैया ये गोल फेस बोलते हैं जी इसको, और यहाँ पे ये बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्राइपर्स। ओए ओए ओए, बहुत ऊँची है भाई, इसको बोलते हैं ITC वाली बिल्डिंग। और इधर ये कोलंबो सिटी के आगे वो तीन बड़ी बिल्डिंगें और हैं वहाँ पे, ये फॉरनर्स टूरिस्ट भी घूम रहे हैं। एक बंदा पतंग उड़ा रहा है और ये समंदर है, समंदर। और ये जो है, ये है श्रीलंका का परचम, अभी इसको उतारेंगे 6 बजे, इसकी तकरीब होगी जैसे वाघा बॉर्डर पे होती है। तो अभी ये जी परचम को ये उतारना स्टार्ट कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता परचम जो है वो नीचे आ रहा है। और जैसे जैसे ये सूरज गुरूब होगा साथ साथ
परचम भी गरूब हो जाएगा, यानी कि परचम भी उतार लेगा। परचम नीचे ना आए तो ये एक सिपाही जो है वो उतर गया, परचम ताकि जमीन को टच ना करें, परचम के तकद्दस में। और ये जी परचम को उतार लिया। तो गाइस आज 2024 और 22 जनवरी का सूरज जो है वो गुरूब होने को है, और कल ये नई उम्मीदों के साथ, नए दिन के साथ, नए काम के साथ और नए ख्वाबों के साथ दोबारा इंशाल्लाह तुलू होगा। तो गाइस हो चुका है अभी रात का टाइम और इस वक्त फूड स्ट्रीट जो है वो ओपन हो चुकी है, और इस फूड स्ट्रीट को बोलते हैं अब्दुल हमीद स्ट्रीट। इसमें सबसे पहले ये जो है ये है माशाल्लाह होटल, इसकी चाय पिए यार मज़ा आ गया, बहुत ही मतलब कड़क किस्म की चाय थी और ऐसी चाय मैंने मतलब पहले नहीं पी, बहुत मज़े की चाय थी। बाकी इसको तमिल में बोलते हैं अलूद कड़ा, अलूद कड़ा। और इसके अंदर हम घूमने के लिए आगे जा रहे थे और अपना खाना खाने के लिए कोई ऐसा होटल ढूंढ रहे थे, कोई ट्रेडिशनल ढाबा ढूंढ रहे थे। तो गली में हम आगे गए और हमने देखा यहाँ पे बारबेक्यू हट, बारबेक्यू खाने का मूड नहीं था। फिर हमने देखा जी एक और होटल फूड सिटी, और वो बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लोटस टावर, जो रात को बहुत ही खूबसूरत दिखता है जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। श्रीलंका की एक मशहूर चीज़ है, इसको बोलते हैं बोला है कि भाई हम भी वही खाएंगे, कोतो बाबी जो चिकन चीज़ कोतो, ये यहाँ पे चार हो, लेकिन ये कोतो नहीं है, ये इसको बोलते हैं बम्बू बिरयानी। ये भी तैयार हो रही है बम्बू बिरयानी, यानी कि बांस के अंदर डाल दी। और ये हमारा दूसरा ऑर्डर जो है वो बम्बू बिरयानी का, वो भी आ गया। और ये दोहा QR 659 चेकिंग स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज श्रीलंका का ट्रिप जो है वो अभी ख़त्म हो गया है, सिर्फ 2 दिन के लिए आया था और अभी बस वापस जा रहा हूँ दोहा। वो कहते हैं कि जो बेटियाँ होती हैं वो प्राय घरों के लिए होती हैं, नहीं और जो बेटे होते हैं वो प्राय देशों के लिए होते हैं। तो बस एक प्राय देश से दूसरे प्राय देश जा रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा।